मैम मॉर्निंग बच्चे। हेलो हाँ जी बेटा, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? हेलो, मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा जी, उस दिन के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? जितना गैमेटोजेनेसिस हमने किया उसमें कोई डाउट है बेटा? नो मैम। आपने साइनोप्सिस से सारा रीड कर लिया? यस मैम। आपके कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं आपसे? उसमें याद है आपको मैंने प्लस वन में मियोसिस भी कराया था? यस मैम। और उस मियोसिस में भी कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 स्पर्म्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आए थे ना, इफ यू यस रिमेम्बर। मैम। तो वो भी पूछने हैं, पूछूं? यस चलिए मैम। पहले आपका खोलते हैं फोल्डर। ये आप ही का है ना, बैच नंबर 7? यस मैम। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बैच में मैंने मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम कंपैरिजन करा? स्क्रॉटम इज यस कंपेरेबल टू लेबिया मेजर। यस मैम। यस मैम। ओके, तो चलो कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पास पहले टू बिगिन विद, फिर दोबारा सुनूंगी आप में से कई बच्चों से, ठीक है ना? ये मैम, आप। हाँ जी बेटा। आज की एंड में थोड़ी सी स्लाइड दिखा दो कि पिछले एक दो दिनों की। एक दो दिनों की यस मैम। किससे देखनी है? मैम संयम। सेम तू ना, तुझे काम करना पड़ेगा, तुझे नेक्स्ट बैच जो होता है ना उसमें आना पड़ेगा किसी दिन, वहां देख सकते हैं, क्योंकि फिर आगे ब्रेक होती है ना, तो फिर अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए, यहाँ तो दूसरे टीचर आ जाएंगे, उतना मौका नहीं लगेगा एक दो दिन की दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट बैच मेरा होता है बैच नंबर 9, कल क्लास जो है बैच नंबर सब सेम चलता है, 9 में लगाएगा ना, वहाँ सेकेंड क्लास होती है, तो फिर मैं तुझे दिखा सकती हूँ ब्रेक में। ओके या मैम, थैंक ये यू। क्लास खत्म होती है तेरी सेकेंड ना, B24 की खत्म हो, तो फटाफट से उसमें लॉग इन कर लियो। बैच नंबर किस में बताया मैंने? 9 में। 9 में आ जाना, तो वहां दिखा दूं। ओके मैम, थैंक यू। जी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन करना, नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 मेल गैमेट्स। 25। कैसे निकाला? 100/4। याद है हम ऐसे करते होते थे, n by 4। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 फीमेल गैमेट्स। 100। नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 जाइगोट। 5/4। आंसर दो। 125। और अगर हम 100 मियोसिस फॉर्म हाउ मेनी जाइगोट? 80। वो याद है ना, हमें मियोसिस दी हुई है, मतलब हमें n plus n by 4 already given है, तो बस 5n by 4 is equal to 100 करके n निकाल लो, है ना? Yes, ये हमने उस चैप्टर में किया था सेल डिवीजन में, अगर आपको याद हो तो। गैमीट जब अपने गोनेट से रिलीज होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, Do they have same DNA content? No ma'am. No ma'am. No ma'am. No ma'am. Female gamete has half the amount of DNA as compared to male gamete. True or false? False. 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 False ma'am. Rather, female gamete has double the amount of DNA. Double the amount of DNA. Male gamete. Mature RBC में nucleus? नहीं होता. नहीं होता. देखो, बाकी तो सारा तुमने कर लिया. अब तुम्हारा पता क्या रह जाता है? तुम्हारा रह जाता है topic spermiation. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, गैमेटोजेनेसिस में ये तीन टॉपिक बचे हैं। समझ में आ गया? यस मैम। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या था? मैम रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिफेरस ओव्यूल्स। मैं पूछ के देखूं किसी से इन दोनों चीजों के बारे में। मान्या, मान्या बेटा आप हो क्लास में? मान्या गर्ग, मान्या गर्ग, प्राप्ति सिधाना,
ऑन करके इधर उधर चले जाते हो या कोई प्रॉब्लम है? बेटे मैं जिस बच्चे का नाम लूं उसे आंसर करना है, अदरवाइज आई थिंक कि वो क्लास में नहीं बैठा बच्चा। प्राप्ति कोई आंसर नहीं है, मान्या कोई आंसर नहीं दिया, आर यू देयर? यस मैम। कौन आए? दो यस आए हैं, कौन कौन से बच्चे हैं? मैम दो में दिया। ओके दिया है, दिया बताओ जरा क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस? मैम स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना। हाँ जी बेटा, और नाम था ना स्पर्मियोटेलियोसिस। शाबाश दिया, स्पर्मेटेलियोसिस बिल्कुल सही। और स्पर्मिएशन क्या था? रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। जी टेस्टिस से रिलीज होके जब वो दे लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यू कॉल इट एज स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है बेटा, समझो एक कांसेप्ट, जो एक नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल वो स्पर्म में चेंज हो गया, समझ रहे हो? जैसे तुम्हें अभी लिखना मत था, दो मिनट रुक के लिखना, बताओ गोल्जी बॉडी किस में चेंज हो गई? एग्रोसोम। पढ़ाया था प्लस वन में? यस। हालांकि इसके साथ एक और क्वेश्चन कराया था, एक्रोसोम फंक्शनली रिजेंबल्स लाइसोसोम। जी फंक्शनली वो लाइसोसोम को रिजेंबल करता। अच्छा न्यूक्लियस क्या हो जाती है? कंडेंस एंड इलोंगेट। होती है न्यूक्लियस को, बताओ क्या होता है कंडेंस एंड इलोंगेटेड? दोबारा बोलो तुम, न्यूक्लियस को क्या होता है? कंडेंस एंड इलोंगेट हो जाता है। न्यूक्लियस हैप्लॉयड है, जिसमें कितने क्रोमोसोम है? 23। दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई। इसका मतलब स्पर्म दो तरह के होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड ऑटोसोम्स। इसे कहते हैं गाइनोजेनिक स्पर्म और इस स्पर्म को कहते हैं एंड्रोजेनिक स्पर्म। एक्चुअली बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, इसका जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है ये सिर्फ टाइप ऑफ स्पर्म पे डिपेंड करता है। ओवा तो होता ही एक तरह का 22 प्लस एक्स, अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर दे तो फीमेल बेबी का बर्थ होता है, अगर वाई वाला स्पर्म फ्यूज कर जाए तो मेल बेबी का बर्थ होता है। तो दिस इज द स्पर्म व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड कि सेक्स ऑफ बेबी क्या होना चाहिए। तो दो तरह के स्पर्म्स हैं आपको मैंने बता दिया। न्यूक्लियस कंडेंस इलोंगेट होता है, अप्लाइड उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। फिर उसके बाद आपको ये मालूम है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो अरेंज हो जाती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल फॉर्म में। बोलो किस फॉर्म में? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। आपको पता याद है प्लस वन सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या था? 9+0। और आपको पता ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है दैट गिव राइज़ टू एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। और आपको पता है एक्सियल फिलामेंट की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? 9+2। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया उसके अराउंड अरेंज हो जाती है। ये नेक भी बन गया, हेड भी बन गया, और इन द मिडल पीस व्हाट हैपेंड? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स अ स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? स्पाइरल। स्पाइरल बाकी एनिमल्स में ना इस स्पाइरल को बोलते हैं नीबन कर्ण। ह्यूमन में नहीं बोलते, पर तुम्हारे लेवल की लोअर ऑथर्स की बुक्स ना, एवं ये जो आपकी रिफ्रेशर मार्केट में है वो इसी को भी निबन कर्ण बोल देते। ये दिस टर्म इज नॉट फॉर ह्यूमन, मैंने बता दिया, कोई पूछ ले वैसा ही क्वेश्चन है तो तुम करा ना, बट दिस इज नॉट फॉर ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में हम ये टर्म यूज नहीं करते, बट किताबों ने यूज की हुई है। हम इसे सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। बट अगर मान लो क्वेश्चन ही ऐसे हो कि माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट इन स्पर्म इज कॉल्ड, तो आंसर क्या दे दोगे? नीबन कर्ण। इसके स्पेलिंग ऊपर दोबारा लिख देती हूँ थोड़े लाइट से ताकि तुम्हें दिख जाए, नी बन कर्ण। पर ये ह्यूमन में तुमने अपने आप कहीं मैंशन नहीं करना, तो मैं इसलिए बता दिया कि तुम्हारे लेवल की लोअर ऑथर्स की बुक्स में लिखा होता है उस माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का नाम नीबन कर्ण। ये हम बहुत एनिमल्स में इसे नीबन कर्ण कहते हैं, बट ये टर्म हम ह्यूमन में यूज नहीं करते। तुम्हें मैंने लिखने से मना किया था, तो मैं आगे जा सकती हूँ। अब आप मुझे बताओ
निबन कर्ण तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक्सियल फिलामेंट हो गया। तो अगर मैं आपसे मिडल पीस, ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का था, मिडल पीस में पूछूं तो मिडल पीस में 9+2 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी क्योंकि उसमें एक्सियल फिलामेंट होंगे एंड वहां पे क्या मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर फाइनली आपके पास आ जाता है टेल। टेल में क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट 9+2, वही एक्सियल फिलामेंट के बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट टेल का होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, एक्सियल फिलामेंट। तो मैंने कहा था ये थोड़ा एक्सेप्शन है, पर एनसीईआरटी लिखती है होल बॉडी ऑफ द स्पर्म इज कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो स्पर्म बन गया, एक नॉर्मल सेल में ऑर्गेनेल्स ही अलग अलग अरेंज हुई और क्या बन गया, स्पर्म। अब देखो जब तुमने स्पर्मिएशन कर लिया ना, तुमने काफी सारा स्पर्म का स्ट्रक्चर भी कर लिया ना, ये सुनो। बट अब आप एक बार और रिपीट कर लेंगे, हम स्पर्म का स्ट्रक्चर फिर से लिख लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप ये नोट करना शुरू कीजिए। करना शुरू कर दिया नोट आपने? यस मैम। और नोट करते करते एक बच्चा मुझे सुनाएगा, मैं उसका नाम लेती हूँ, वो इसको रिपीट करेगा। टाइम पे ज्वाइन किया करो सारे लोग क्लास, हद से हद एक मिनट, हद से हद एक मिनट। वैसे तुम्हें 2 मिनट पहले आना चाहिए एज अ स्टूडेंट। पाठ सारथी, मैंने आपका कई बार नाम लिया, आपने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। पाठ सारथी, आज भी कोई आंसर नहीं है। अब अगर बहुत दिन आंसर नहीं करोगे देन आई विल मेक अ कॉल। समृद्धि कंसल, नो आंसर। सान्या, सपनप्रीत, बहुत फर्क है भाई तुम्हारे बैच में और बाकी बैचेस में, बच्चे सारे के सारे बात करना चाहते हैं, तुम तो आंसर ही नहीं करते, नाम लेने पे भी नहीं बोलते। सपनप्रीत, वंशिका, सुखजिंदर सिंह, इसका तो यही इंटरप्रिटेशन है, अभी सोए उठे ही नहीं, ऑन कर दी एंड दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। इस बच्चे को मैंने कितनी बार बुलाया, विराल सिंगला, वानी मेहता, हो ही नहीं सकता, अभी तुम्हारा स्पीकर ही खराब हुआ पड़ा, फोन का फिर उसे ठीक करो। सुखजिंदर सिंह, अलीशा, बागीशा, यस मैम। हाँ मैं सोचा कोई तो बोले कि मुझे नहीं आवाज आ रही, तो यहां से शुरू करती हूँ। मान्या गर्ग, मान्या, पाठ, समृद्धि, सान्या, मैम कनेक्शन जा रहा है आज। हाँ जी मैम, मेरा ना नेटवर्क कनेक्शन आज बार बार जाई जा रहा है, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाई ये वाला। क्या नाम है आपका? सान्या। सान्या, ओके सान्या, ये नोट करो बेटा, बहुत ही सिंपल है, अभी समझ आ जाएगा, अभी कोई बच्चा आपको सुना भी रहा है। एंजल, एंजल तो आ जाता है। यस मैम। एंजल सुना बेटा, ये स्पर्मिएशन वाला पूरा टॉपिक, स्पर्मियोजेनेसिस वाला, आराम से। ओके। स्पर्मियोजेनेसिस को हम स्पर्मेटोलियोजेनेसिस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडीज जो है वो एक्रोसोम में चेंज हो जाती है और एक्रोसोम फंक्शनली लाइसोसोम को रिसेंबल करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस और इलोंगेट हो जाता है। जो स्पर्म होता है वो हैप्लोइड होता है और उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, 22+1 X होता है और एक 22+Y होता है। जो 22+X होता है वो गायोजेनिक होता है, एक 22+Y होता है जो एंड्रोजेनिक होता है, और उसमें उसके बाद सेंट्रियोल्स होते हैं जो जिसका अरेंजमेंट 9+0 होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट को राइज देता है, जो 9+2 अरेंजमेंट होती है। और फोर्थ पॉइंट है मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स अ स्पाइरल, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल बनाता है और स्पर्म होता है, बट वो ह्यूमंस के लिए नहीं यूज होता। मैम। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया? हेलो। यस यस मैम। मैम जी बेटा,
अब आपने लिबन किन के बारे में क्या बताया? बेटा लिबन का टर्म ह्यूमन में नहीं यूज करनी आपने, ह्यूमन में बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, और बाकी एनिमल में क्या बोलना है? लिबन का। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन ही आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल का नाम बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे लेवल की किताबों में, तो इसलिए घबराना मत। ओके आप बताओ ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस। अगले पेज पे जा सकती हूँ? यस। स्पर्मियोजेनेसिस का दूसरा नाम क्या होता? एक्सियल फिलामेंट की क्या कंपोजिशन होती है? 9+2 और सेंट्रियोल की क्या होती है? 9+0 अब हमने क्या लिखना है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। 5 मिनट यही चीज वापस लिखनी है, उसमें 5 मिनट अपने को लग जाएंगे। लिख ले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म भी, काम खत्म। हेलो जी, तो स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इसके चार पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट हेड। और हेड में क्या क्या होता? क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस। क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस, इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और एंटीरियर पार्ट हैज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। इसकी ओरिजिन गोल्जी बॉडी से, और जो फंक्शनली रिजेंबल करता लाइसोसोम। शाबाश। एक्रोसोम इज फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तभी तो कहा फंक्शन करता है किसके जैसा? एंजाइम्स के नाम याद कर सकोगे? बोलो हायलुरोनिडेज। बोलो हायलुरोनिडेज। ये नाम से पता लगता है, इट विल एक्ट ऑन हायलुरोनिक एसिड। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना के थ्रू पेनिट्रेट हेल्प करेगा। सो एक आ गया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। बोलो कौन आया? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। That has been fertilization of ovum. एक होता है hyaluronidase, एक होता है corona penetrating enzyme, और एक होता है acrosin, उसे lysin भी कहते हैं, sperm lysin. तो acrosome is filled with किस तरह के एंजाइम्स होते हैं बताओ बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में जो हाइलुरोनिक एसिड पे काम करता है हाइलुरोनिडेज, जो कोरोना से पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। अच्छा एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ हेड, यस और नो? यस मैम। यस मैम। और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, यस और नो? Yes. Nucleus contains genetic material. ये सुना दो तीनों एंजाइम्स के नाम। एक है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम,
बोलो कौन कौन से कोरोना पेनिट्रेटिंग जो जोना बेलिसिटा को तोड़ता है उसे जोना लाइसेन या एक्रोसिन भी कहते हैं। ये जोना बैलिसिडा पे भी एक काम करता है, उसे क्या कहना है हमने, जोना लाइसिन या एक्रोसिन। तो ये हमारे पास हमने पहला टॉपिक किया स्पर्म का हेड, आप नोट कर लीजिए फिर हम अगले पेज पे चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा जी। मैम आप इसे पिछली बार स्लाइड दिखा दूंगी मैम एक बार? बिल्कुल दिखा दूंगी, आगे जाने से पहले दिखा दूंगी। ओके मैम। ठीक है और कुछ? पांच साथी आप क्लास में नहीं हो, मान्या गर्ग, समृद्धि, मैम। जी बेटा। मैम जो आपने अभी तक करवाया एक बार वो फिर से बता दो, मैं मेरे को बार बार क्लास से रिमूव कर रहा था कोई। क्या नाम है आपका? मनन। मनन आपको क्यों रिमूव कर रहे हैं? मैम पता है जब से ज्वाइन करो हम 3-4 बार रिमूव कर दिया। आपने अपने रोल नंबर नहीं आगे लिखा हुआ? लिखा हुआ है। फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं? चलो कोई ना दोबारा बता देती हूँ। अच्छा लो फटाफट से रिवाइज कर लो, एक्चुअली टॉपिक ही रिपीट हो रहा है इसका, लो स्क्रीनशॉट। ये मैंने बताया कि स्पर्म कैसे बना, बिगोल्जी बॉडी से एक्रोसोम, हेड में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रियोल दो अरेंज हो जाती हैं और डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। फिर ये भी वही यहाँ तक तो बताया कि भी ऐसे ऐसे स्पर्म बनता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुरू कर दिया, वो भी वही चीज है जो अभी लिखवाया ना, तो इसलिए लकीली तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब एक हेड मेंशन किया, इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पार्ट हैज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं, बताओ कौन कौन से तीन एंजाइम? हाइलुरोनेटेज, एक ऐसा होता है जो जोना पेलिसिडा को तोड़ता है, एक ऐसा होता है जो कोरोना के थ्रू पेनिट्रेट करता है, और एक होता है जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है ना बच्चे, याद है कोरोना रेडिएटा? यस मैम। उन सेल्स के ना बीच में हाइलुरोनिक एसिड जुड़ा होता है, तो जो हाइलुरोनिक एसिड पे काम करती है उसे क्या कहते हो? जैसे सोचो भीड़ है बहुत सारे लोग खड़े हैं, हमें उनमें से जाना है, तो हम उनको ऐसे 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 करके निकलते हैं ना बीच में से, तो ऐसे करने वाला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और बीच में जो मटेरियल है उसके ऊपर एक्ट करने वाला हाइलुरोनिडेज। फिर से बोलो, कोरोना रेडिएटा को में सेल्स को में अपना रास्ता बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। वहां पड़े हुए मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। बिल्कुल सही। अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो, कोई भी लेबलिंग आ जाए कोई तुम्हें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये बताओ क्या है? एक्रोसोम। याद रखना एक्रोसोम बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस होल इज हेड। फिर आपके पास ये नेक आ जाती, फिर ये मिडल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल दिखता है, और ये टेल। माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस, नेक, क्रोमोसोमल मटेरियल इन द न्यूक्लियस, एक्रोसोम। ये एनसीईआरटी की लेबलिंग है। जैसे आपको दिखा दूं, दिस इज एक्रोसोम, एक्रोसोम इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ हेड। फिर ये क्या आ गया आपके पास? न्यूक्लियस। ये नेक होती है, ये क्या है बताओ मुझे? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैं आपको आगे हेड के बारे में लिख दिया, नेक्स्ट क्या लिखना है बताओ आपने? नेक। नेक। तो अब हम नेक के बारे में लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा है हमने? हेड। नेक के बारे में लिख रहे हैं, बताओ नेक में क्या लिखूं? इट इज अ पिट लाइक डिप्रेशन। And it contains proximal centriole. बताओ इसमें क्या होता है? It has centrioles. बताओ क्या क्या? With proximal centriole and below that there is present distal centriole.
अब दो सेंट्रियोल हैं ऊपर नीचे, ऊपर वाली को प्रॉक्सिमल को हो गई और नीचे वाली को क्या बोलोगे? बोलो बोथ द सेंट्रियोल्स आर एट ट्राइएंगल टू ईच अदर, हमेशा दोनों सेंट्रियोल्स हमेशा राइट एंगल पे रहती है? यस मैम, यस मैम। अच्छा फिर मुझे ये बताओ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या रोल होगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज अ रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज। बेटे राजे जब जाइगोट बनता है ना तो उसमें जो डिविजन्स होती हैं उन्हें कहते हैं क्लीवेज। जब जाइगोट बनता है उसमें जो डिविजन्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? Cleavage. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं सेकेंडरी ओसाइड में सेंट्रियोल नहीं होती, और आपको पता है सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का पार्टिसिपेशन है, तो पहली डिवीजन में पहली क्लीवेज में कौन सी सेंट्रियोल हेल्प करेगी? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और आपने डिस्टल सेंट्रियोल तो पहले पढ़ ली, डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आती है आपको, क्या होती है? 9+2। सेंट्रियोल की खुद की कितनी होती है? 9+0। चाहे वो प्रॉक्सिमल हो चाहे वो डिस्टल हो, तो मिडिल पीस नेक की जब भी मैंने बात करनी है मैंने क्या डिस्कस करनी है? सेंट्रियोल्स, एक प्रॉक्सिमल एक डिस्टल, जो एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। हमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पता है, हमें एक्सियल फिलामेंट का भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पता है। फिर आप मुझे बताओ स्पर्म का एनर्जी चैम्बर किसे कहते हैं? मिडल पीस। मेरे बच्चों को पता है एनर्जी बनाती कौन सी ऑर्गेनली है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सी माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड, किसके अराउंड? एक्सियल फिलामेंट। एक्सोनीम बोल दो, एक्सियल फिलामेंट बोल दो, एक ही बात। ये साइनोप्सिस में भी वर्ड नीबन का लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ कि मेनी माइटोकॉन्ड्रिया दे स्पाइरली अरेंज अराउंड एक्सोनीम एंड दे फॉर्म नीबन कर्न। हम नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि पता है हमें नीबन कर्न ह्यूमन स्पर्म के लिए नहीं है, ठीक है जी? एंड दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी कौन देता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो मिडल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया। मैम जी बेटा आपने प्लीज जो भी करवाया। हेलो मैम प्लीज आपने जो भी कराया थोड़ा सा रिपीट कर दो। ओके, मिडल पीस में बेटा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये एनर्जी चैम्बर है और ये स्पर्म के टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। नीबन कर्न डर्न साइनोप्सिस में भी लिखी है, मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, हम किसके लिए लिखते हैं? बाकी एनिमल्स के लिए। हो गया जी लक्षिता? मैम मेरी या ओके मैम। लॉन्गेस्ट और फाइब्रस पार्ट कौन सा होता है? टेल। टेल। स्पर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ टेल। जब आप लिख लोगे तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। मैम स्पर्म की मोटिलिटी को दो चीजों पे डिपेंड करती है ना, टेल और मिडल पीस भी। मिडल पीस एनर्जी देता है बेटा, टेल वो स्ट्रक्चर है जिसने वो करनी है। यस मैम। व्हाट इज द बेसल ग्रैन्यूल ऑफ टेल? सोचो और बताओ किस स्ट्रक्चर को टेल का बेसल ग्रैन्यूल कहेंगे? इसका मतलब कि वो जो एक्सियल फिलामेंट है वो कहाँ से बना? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल। तो अगर कोई आपसे पूछ ले तुम्हें याद नहीं वो जो सेंट्रिलिया फ्लैजेला थे वो बेसल ग्रैन्यूल से बनते? यस मैम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा स्ट्रक्चर है जो वो कहलाएगा बेसल ग्रैन्यूल ऑफ टेल, तो आप क्या बोलेंगे? डिस्टल सेंट्रियोल।
स्पर्म का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी कोई लेबलिंग आ जाती है, तो मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? और याद है स्पर्म दो तरह के होते हैं, एंड्रोजेनिक एंड गाइनोजेनिक। मैम जी बेटा, मैम एक बार स्पर्म सारा डिवाइस करा दो फिर से। बिल्कुल करा देंगे जी, दो बारी करा देंगे, एक बारी भी की। फटाफट से पहले नोट कर लो। अगले पेज में जा सकते हैं बेटा? यस मैम। स्पर्म में हेड में न्यूक्लियस कैसी होती है? तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाने लगी हूँ। ये लो जी, आपको आ गया अगला पेज जिसमें आपने टेल लिखा हुआ है। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, दिस इज द फाइब्रस पार्ट, एंड बेसल ग्रैन्यूल ऑफ द टेल इज distal centriole. The centriole. Akshika, इसे repeat कर tail को. Tail जो है वो longest और fibrous part है, और जो sperms होते हैं वो tail की मदद से ही move कर पाते हैं, और जो basal granule of a tail वो distal centriole है। समझ आ गया जी? कोई doubt? तो जी यहाँ पे आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। आप कह रहे हो कि स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने एक बार फिर करना है, तो देखो स्पर्म में हमने क्या किया, पहला पार्ट हेड, और यहाँ से देखो हेड में आप ऊपर एक्रोसोम, थोड़ा नीचे न्यूक्लियस। एक्रोसोम तीन एंजाइम रिलीज करता है, एक्रोसिन, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग हाइलुरोनिडेज। ये तीनों एंजाइम सुना सकते हो? यस मैम। शाबाश, ये हुई ना बात। फिर उसके बाद आगे आए थे आप, नेक में दोनों सेंट्रल्स पड़ी हैं एक दूसरे के राइट एंगल पे, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, और उनके रोल बताए। पहली सेंट्रल प्रॉक्सिमल सेंट्रल फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करती है, और दूसरी सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट बनाती है। एनर्जी चैम्बर आ गया मिडल पीस, फिर टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, एंड उसका बेसल ग्रैन्यूल क्या होता है? डिस्टल सेंट्रल। डिस्टल सेंट्रल। अब आपने लिखना है जी सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर स्पर्म के साथ ही। जी बेटा। मैम जो एनसीईआरटी में स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है जी, उसमें मैम जो एंड जो टेल के लास्ट पार्ट में जैसे उन्होंने मेम्ब्रेन नहीं दिखाई हुई, तो वो पार्ट होगा जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गई? जी जी जी, वही होता है, ये जो चोंच सी बनाई हुई है ना, ये वाला। एक्चुअली टेल के भी दो पार्ट होते हैं, मेन पीस एंड एंड पीस, मैंने लिखा नहीं। तो ये जो मेन पीस होता है उसमें तो एक्सियल फिलामेंट के अराउंड ये सारा कुछ है, जो एंड पीस होता है दैट इज जस्ट एक्सियल फिलामेंट। तो पर वो एनसीईआरटी कहती है कि होल इज कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम इसलिए उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। इसके दो पार्ट है, बताओ कौन से? मेन पीस एंड एंड पीस। मेन पीस में हमारे पास एक्सियल फिलामेंट के अराउंड क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थर्ड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट। सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर स्पर्म से भी बहुत बहुत आसान है। ये मोटाइल था कि नॉन मोटाइल था? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। ये स्फेरिकल होता है, क्या होता? स्फेरिकल। वैसे नॉर्मली तो जब सेकेंडरी ऊसाइट एक्सप्लेन कर देते हैं लिख देते हैं दिस इज विद योक। ह्यूमन में योक ना लिखो ना, ना मेंशन करो ना। यस। साइनोप्सिस में मेंशन है बट हमने नहीं लिखना। दिस इज एनक्लोज्ड इन वन और टू मोर देन वन एग मेम्ब्रेन। राइट। और जो ओवा होता है ना बेटा एनिमल्स का, वो बड़े अलग अलग तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें क्या है, बताओ मुझे कितना योग है, योग कितना है। ह्यूमन ओवम कैसा होता है? आपका साइनोप्सिस कहता है ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मतलब दिस इज हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ योग। और के हायर ऑथर्स लिखते हैं ज्यादातर दिस इज ए लेसिथल मतलब नो योक। दोनों ही ठीक है जो जो ऑप्शन में मिल जाए तुम। राइट।
दोनों नहीं मिलेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन में पर गलत है, दोनों में से एक मिलेगा और जो मिलेगा वो ठीक है, क्योंकि नहीं है ये बहुत बहुत कम है बात एक ही है, तो दोनों में से जो ऑप्शन में मिल जाए दैट इज करेक्ट। आइदर क्या लिखा मिलेगा बताओ मुझे, माइक्रोलेसिथल और इलेसिथल जी, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, योक तो नहीं है बट लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जिससे तुम्हें याद है, तुम्हें याद है ये कैसे बना था, बिकॉज ऑफ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, अनइक्वल डिवीजन साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ओवम जो है ये नॉन मोटाइल है, स्फेरिकल है, इसके बाद एग मेम्ब्रेन होती है, हमारे ह्यूमन एग में योक या तो नहीं है या कह लो कि बहुत नेग्लिजिबल है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल जो चॉइस में हो, किताब में लिखा हुआ है दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, बट वो नहीं है, वो दैट क्वेश्चन डजंट स्टैंड, दोनों में से कोई एक मिलेगा और दोनों ही ठीक है। और क्या ज्यादा होता है बताओ इसमें, साइटोप्लाज्म, तुम्हें याद होगा पोलर बॉडी जब बनती थी तो वो उसमें क्या होता था, तुम्हें याद है ना, यस मैम, जैसे जो सेकेंडरी ऊसाइट है ना बेटा, उसके जो सबसे अंदर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है उसे वो ओवम खुद बनाता है, उसे कहते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो तुम जब ये लिख लोगे भी, मैं अगले पेज पे जाती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, ये ना एक इनर मोस्ट होती है, ये थिन है बहुत, तो तुम आ जाओ अगले पेज पे तो ही एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया हुआ है ना, बट आज हम फिर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैम जी, बेटा जी, मैम जो आप कह रहे हो योक होता है वो मतलब फीमेल्स में बहुत कम होता है या मतलब होता ही नहीं इस तरह से, फीमेल्स में बोलना तो बहुत अजीब बात है बेटा, फीमेल एग में बोलो ना, फीमेल एग, ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन एग में योक नहीं होता, ना के बराबर होता, तो इसलिए उसे या तो एलेसिथल कहा जा सकता है या फिर माइक्रोलेसिथल। जी बेटा, स्पर्म में थोड़ी योक होता है कभी, वो तो योकलेस है, योक तो एग्स में ही होता है। तुमने कभी मुर्गी का अंडा खाया, तुमने कभी स्पर्म खाया कोई, बेचलो जी आज स्पर्म लेके आते हैं बॉइल करके खाएंगे, हम क्या खाते हैं बताओ मार्केट से लाके, एग खाते हैं ना, जो वेजिटेरियंस हैं, जो भी लोग अंडा खाते हैं, अंडा इसलिए खाते हैं क्योंकि अंडे में योक होता है, और वो योक कोई इसलिए थोड़ी होता है कि तुम बना के खा लो, किस लिए होता है वो योक, ताकि जब ऑर्गेनिज्म है वो उसका फूड है, वो अपने एग के साथ उसमें फूड रिलीज कर देते हैं कि हमारा बच्चा इस पे डेवलप हो जाए, ह्यूमन में तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जल्दी से जल्दी क्या डेवलप कर लेना होता, प्लेसेंटा, बोलो प्लेसेंटा। अब अगर आप परमिशन दे दो तो मैं आगे चली जाऊं, यस मैम, पक्का लिख लिया, यस मैम, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बनाया सेकेंडरी ऊसाइट, इधर देखो, और मुझे ये बताओ सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, रेडिएटा, अपने पेन साइड पे रख दो, दो मिनट के लिए, ये बताओ ये क्या है, आउटर है, थिकर है, और इसमें रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, कैसी सेल्स होती हैं, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, क्या नाम है उन सेल्स का, Follicular cells. Yeah, proud of you. फिर से बताओ, derived from? मैंने लिखा क्या, मैंने तुम्हें लिखने से मना किया कि तुम एक बार समझ लो सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के दौरान भी तुम्हें चाहिए, ये जो मेम्ब्रेन है ना, जो इसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, उसे हम विटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये एक्चुअली में इसकी खुद की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा, कह सकते हो ये इनर मोस्ट है, ये थिन है, ये ट्रांसपेरेंट है, नाम बताओ क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये ओवम खुद बनाता है, दिस इज सिक्रेटेड बाय ओवम, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर नेक्स्ट बताओ आपके पास, थिन,
वो थोड़ी थिक है, वो भी ट्रांसपेरेंट और वो नॉन सेलुलर है, वो भी ओवम ने खुद बनाई है। तुम्हें याद है हमने लिखा था सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म्स इसके बाहर आपके पास आ जाती है एक सेलुलर लेयर विच इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। और ये जो स्पेस होता है ना बेटा, इस स्पेस का नाम होता है पेरिविटिलाइन स्पेस। बोलो क्या नाम होता है? पेरिविटिलाइन स्पेस। जो पोलर बॉडी होती है ना वो इसमें बड़ी होती है। पोलर बॉडी इज प्रेजेंट इन पेरिविटिलाइन स्पेस, पोलर बॉडी यहाँ आ जाती है। तो पोलर बॉडी कहाँ आ जाती है बताओ मुझे? और इसके अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होगा, उसे कहोगे ऊप्लाज्म। बोलो क्या बोलोगे? ऊप्लाज्म। इसमें जो इसका न्यूक्लियस होता है वो किस जगह पे अरेस्टेड होता है, किस स्टेट पे अरेस्टेड होता है? तो मेटाफेज टू पे ये अरेस्टेड है, चल रहा है। और इसमें ना एक और वर्ड होता है, इसमें एक वर्ड आता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। बोलो क्या? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। फिर से बोलो। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। मैंने आपको लिखने से मना किया, आप लिख तो नहीं रहे ना? नो मैम। साइटोप्लाज्म को क्या बोला हमने? ऊप्लाज्म। न्यूक्लियस किस स्टेज पे अरेस्टेड है? मेटाफेज टू। जी जी, अब है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स म्यूकोपॉलीसेक्राइड, आपने प्लस वन में पढ़ा था चिपचिपाहट वाले कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। भूल गए हो तो मैं याद करा दूं, म्यूकस मतलब चिपचिपाहट, पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ये जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देयर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट बिलो विटिलाइन मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेकेंडरी ऊसाइट का स्ट्रक्चर है। आप देखो योक नाम की तो कोई चीज है नहीं इसमें, या कई ऑथर्स कहते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल सा योक है। और आपने देखा कि भी इसमें आपके पास ऊप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया भी स्कैटर्ड होती है, कोई स्पाइरल नहीं बनाती। बाकी ऑर्गेनाइज जो होंगी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो क्या होंगी बताओ मुझे? स्कैटर्ड होगी। क्या स्पर्म की तरह स्पाइरल बनाती है ना? और आपको पता है इसमें जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं विच आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो आपने सीखा क्या, मतलब आप पहले तैयार कर लीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये ऊप्लाज्म, सारी ऑर्गेनाइज होती है। इसमें क्या नहीं होती? सेंट्रियोल नहीं होती। जो इसे कौन दे देता है? स्पर्म। जब अंदर आता है ना वो सेंट्रियोल लेके आता है बेटा, इसमें खुद में सेंट्रियोल नहीं होती, देयर इज नो सेंट्रियोल। यहाँ तो ना लिखूं, अगले पेज पे लिख लेंगे कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होती। लीजिए अब आप बनाइए। बनाने के बाद हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे। अब आप अपनी हिम्मत लगा के इसको बनाओ, कुछ कहना है तो बोलो। वो अंडे में सारा योक ही होता है। दो तरह का योक होता है, बताओ कौन सा? एक येलो होता है, एक व्हाइट होता है। येलो में फैट्स होते हैं और व्हाइट में प्रोटीन्स होते हैं। मैम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सेक्रेट करते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल खुद म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं और ये स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ा होता है। ओके मैम। लो जी, अब एक मिनट लगा के इसे फोकस करके लिख लो, फिर मैंने आपसे रिपीट करवाना है ये। देवांशु। यस मैम। जरा इसको रिपीट करो साथ साथ, कर सकते हो या लिखने के बाद करोगे? पहले लिख लो। चलो एक मिनट के बाद आपने इसे रिपीट करना है। ओके पहले लिख लो। यस।
मैम वो आपने क्या बनाया जो मेटाफेज 2 में पड़ा है? मेरे ख्याल से अब तक तो तुमने लिख लिया है मैम। यस जी बेटा। मैम जो आप ये आपने क्या बनाया जो मेटाफेज 2 में रहता है सारा न्यूक्लियस बेटा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना सेकेंडरी ओसाइट, ये अरेस्ट होता है एट मेटाफेज 2, तो फिर इसकी न्यूक्लियस जो होती है मेटाफेज 2 की पोजीशन में मिलेगी ना। okay. है ना, थोड़ा-फट बना लो फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। बन गया? Yes, ma'am. No, ma'am. Corona radiata cellular, zona bellosa non-cellular, vitelline membrane, plasma membrane, vitelline membrane और zona bellosa के बीच का space, perivitelline space. जो cytoplasm है वो ऊप्लाज्म, nucleus arrest है at metaphase 2, और बीच में ढेर सारी mitochondria हैं जो scattered है जैसे होती हैं, सिर्फ centriole नहीं है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ा और इसे आपने बोला है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। अगर मेम्ब्रेन्स की बात करूंगी तो ज़ोना पेलुसिडा थिक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और नॉन सेलुलर होती है। तीन एडजेक्टिव है, थिक, ट्रांसपेरेंट, नॉन सेलुलर। विटिलाइन मेम्ब्रेन थिन, ट्रांसपेरेंट, इनर मोस्ट है, दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोरोना रेडिएटा तो तुम्हें मालूम ही है, डिराइव्ड फ्रॉम द क्यूमुलस उफोरस, हैव रेडियली एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम क्यूमुलस उफोरस। और सेल्स के बीचों बीच एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर हाइलुरोनिडेज काम करता है और उसे कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। वेरी इजी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट है। तुम वो बना लाए थे, तुम्हें दिया था मैंने पेज नंबर 50 से बनाना। yes. बना के लायो। yes, स्पर्म और ओवा में डिफरेंस लिखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में तो लिख लिया, पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं। फिर मैंने गैमेटोजेनेसिस वाला सारा टॉपिक आपकी बुकलेट से कंप्लीट करा दिया। मैम। हाँ जी बच्चे। मैम आपने ये सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स जो ना पेलुसिडा का एरो कहाँ पर लगाया है? कहाँ पे बेटा? मैम ऊप्लाज्म के जो आपने साथ में लिखा हुआ है ना सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म। मैंने ऊपर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल लिखे हैं, फिर पेरिविटिलाइन स्पेस, वहाँ पोलर बॉडी होती है, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई है, फिर विटिलाइन मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे वो खुद ओसाइट बनाती है, ओवम बनाती है। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म ज़ोना पेलुसिडा। क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम हो गया क्लियर बस। हो गया क्लियर? तुम्हें याद है जब स्पर्म अंदर एंटर करता था तो कौन सा फैक्टर टूटता था, कौन सा बनता था? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर टूटता था और एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बनता था। मैंने कहा था उस साइनोप्सिस में मेटाफेज लिखा हुआ है पर उसका एक्यूरेट नेम है मैच्यूरेशन प्रमोशन फैक्टर। क्या नाम है?
मैच्योरेशन प्रमोशन फैक्टर, वो दोबारा लिख दूंगी आपको। सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिवाइज करें। यस मैम। अगले पेज पे जा सकते हैं। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पेज पे जाएं बेटा। यस मैम। यस। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते। ये बताओ मुझे, ये कौन है? सेकेंडरी ऊप्लाज्म और बार्बिटलाइन। इसके अंदर ऊप्लाज्म, ऊप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब ऑर्गेनेल्स होंगे, सिर्फ क्या नहीं होगा? सेंट्रियोल्स। इसी ऊप्लाज्म में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है जो जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंज होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बताओ समझ आ गया? यस मैम। की बात Yes, yes, अपने किस स्टेज पे अरेस्ट हुई? फेज 2। ओके, इस मेम्ब्रेन को जो इसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तुमने क्या बोला? पिटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या ये इनर मोस्ट है? यस मैम। क्या ये थिन और ट्रांसपेरेंट है? यस मैम। क्या ये ऊसाइट की खुद की मेम्ब्रेन है, इसे ऊसाइट ही बनाता है? यस यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर मिडल थिक लेयर का नाम बताओ। जोना पेलोसिलिका। शाबाश। नॉन सेलुलर मिडल ट्रांसपेरेंट। भूलोगे तो नहीं? नो मैम। तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि ये सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बनाई थी, सिक्रेटेड बाय सेकेंडरी ऊसाइट। याद आ गया? इसके बाहर क्यूमुलस ऊफोरस से डिराइव्ड एक सेलुलर मेम्ब्रेन है, कोरोनरी रेटा। नाम क्या है इसका? कोरोनरी रेटा। इसमें रेडियली इलोंगेटेड क्यूमुलस ऊफोरस की सेल्स होती हैं, याद है? यस मैम। एंड दीस सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। दीस सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। फिर से बताओ इन सेल्स के बीच में क्या होता है? इसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसमें सेल्स होती हैं फॉलिकुलर सेल्स व्हिच आर रेडियली इलोंगेटेड एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम क्यूमुलस ऊफोरस। मैं याद है इनके बीच में बोर करने, इनके इसको चीरने में हेल्प करेगा कोरोना पेनिट्रेटिंग, और इन सेल्स के बीचों बीच जो हाइलुरोनिक एसिड पड़ा है उसे तोड़ने में हेल्प कौन करेगा? हाइलुरोनिडेज। उसे जो जोना पेलास्टुडा को तोड़ने में हेल्प करेगा उसका नाम एक्रोसिन। ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ऊसाइट का, और इसमें योक नहीं होता, या तो इस एक को कहते हैं माइक्रोलेसिथल और या कहते हैं एलेसिथल। मैंने बोला तुम्हें दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगी दैट इज द आंसर। है एक किताब में, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, वो नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। दोनों में से कोई एक चॉइस में मिलेगा और जो भी मिलेगा वो करेक्ट है, ठीक है? Yes, और कोई डाउट? इसका ना एक्चुअली पोलैरिटी भी होती है, वो भी लिखवा दूं। ये जो सेकेंडरी ऊसाइट ना, इट हैज पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब इसमें दो पोल्स होते हैं, वन इज एनिमल पोल एंड वन इज वेजिटल पोल। कौन कौन से पोल? एनिमल पोल वो होता है फ्रॉम वेयर स्पर्म एंटर्स इनसाइड। बताओ जब स्पर्म किस साइड से एंटर करता है? एनिमल पोल। एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजिटल पोल। वेजिटल पोल। स्पर्म हमेशा किस साइड से एंटर करता है? एनिमल। इसे ना बेटा एम्ब्रियोनिक पोल भी कहते हैं, और दूसरे वाले को कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। इवन आपको बता दूं, पोलर बॉडी इज थ्रोन आउट टू द एनिमल पोल। पोलर बॉडी को जब बाहर फेंका जाता है तो किस साइड से? बाहर कहाँ फेंक दिया जाता है? जी, पोलर बॉडी यहाँ फेंक दी जाती, तो जिस तरफ पोलर बॉडी होगी उसी तरफ से स्पर्म एंटर करेगा। उस साइड को एनिमल पोल बोल दिया और दूसरी साइड को कौन सा पोल बोल दिया? वेजिटल पोल।
तो इसमें पोलैरिटी होती है, इसके दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल। एक तरफ से स्पर्म एंटर करता है, पोलर बॉडी फेंकी जाती है बाहर, वो एनिमल पोल है, और अपोजिट पोल वो वेजिटल पोल है। वेजिटल पोल को एब एम्ब्रियोनिक पोल भी कहते हैं। तो बताओ दो पोल कौन कौन से मैम? पोलर बॉडी आपने क्या लिखे हैं? वेजिटल पोल। मैंने बोला पोलर बॉडी को बाहर फेंक दिया जाता है फ्रॉम द एनिमल पोल। पोलर बॉडी कैसे पता लगता है कि ये कौन सा पोल है? स्पर्म जिधर से चला गया वो एनिमल पोल है पुत्र मेरे, समझ गए ना? स्पर्म जिस साइड से गया उस पोल को क्या बोला? एनिमल पोल। एनिमल पोल। पोलर बॉडी जिधर से फेंकी गई उस पोल को क्या बोला? एनिमल पोल। अपोजिट पोल को क्या बोला? वेजिटल पोल। बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना फैलिसोडा, फिर पेरिविटिलाइन स्पेस, फिर विटिलाइन मेम्ब्रेन, फिर कोरोना रेडिएटा, फिर ऊप्लाज्म, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया और सारी ऑर्गेनेल। सिर्फ इसमें सेंट्रियोल नहीं होती। सेंट्रियोल कौन देता है? कौन सा सेंट्रियोल है जो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। वैसे सेंट्रियोल वहां दो थे, प्रॉक्सिमल एंड सेंट्रियोल। और दोनों की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन थी? सच्ची बताओ समझ आया स्पर्म का स्ट्रक्चर? किसी बच्चे को बिना हेजिटेशन के कोई भी प्रॉब्लम हो कि मैम मुझे ये रिपीट चाहिए तो मुझे बताओ। मैम कोरोना रेडिएटा दोबारा समझा जी। लो जी, कोरोना रेडिएटा क्यूमुलस बुफोरस से बनी है एंड इसमें रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो आपस में चिपकी हुई है थ्रू हाइलुरोनिक एसिड। एंड ये थिकर होती है, ये सेलुलर होती है, डिराइव्ड फ्रॉम क्यूमुलस ऊफोरस, आउटरमोस्ट होती है। एक ना एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट में डाला है, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेन कोट अराउंड सेकेंडरी ऊसाइट, और ऑप्शन में जोना पेलिसिडा भी है और कोरोना रेडिएटा भी है। तुम क्या लोगे आंसर? मेम्ब्रेन अराउंड सेकेंडरी ऊसाइट। तुम इसमें ना आउटर मोस्ट दोगे, है तो दोनों ही मेम्ब्रेन, एक सेलर मेम्ब्रेन एक नॉन सेलर, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आउटर मोस्ट देंगे, तो क्या आंसर देंगे? आपके मैंने असाइनमेंट में कवर किया, नॉर्मली बच्चों का डाउट रहता है तो आपको मैंने बता दिया। जब भी कभी आपसे पूछेंगे कि भी सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर की मेम्ब्रेन बताओ तो आप क्या बोलेंगे? मतलब अगर जनरल क्वेश्चन हो तो चाहे दोनों ही बता दो कि कोरोना रेडिएटा भी है और वो भी है, बट अगर एक सिलेक्ट करना है तो आप करेंगे कोरोना रेडिएटा। जरा मुझे स्पर्म और ओवा में फर्क सुनाओगे फटाफट से? मैम एक बार प्रीवियस लाइन दिखा दो। दोनों ही मेम्ब्रेन है ना बेटा, जोना मेलिसिडा भी मेम्ब्रेन है, बट अगर दोनों दी हुई है और मैं आपसे मेम्ब्रेन कवर पूछूंगी तो आप मुझे आउटर मोस्ट ही बताओगे ना, तो बस ये है उस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों पूछ लिए तो आपने आउटर मोस्ट बता दिया। अब आप मुझे स्पर्म और ओवा में डिफरेंस बताइए। बताइए स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? और ओवा कहाँ बनता है? आपने क्या क्या बोला था? जोना पेलिसिडा हो और ऑप्शन में और क्या हो? दोनों, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा, और आपको एक पूछा हुआ है विच इज द आउटर या विच इज द मेम्ब्रेन कवर, तो आप आउटर मोस्ट ही लेंगे ना? कोरोना रेडिएटा जी। अच्छा आपको पता है फोर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनिया? यस मैम। और यहाँ पे तुम्हें याद है वही उगोनिया डिप्लोटीन में आके क्या कहलाती है? प्राइमरी ओसाइट। वही स्पर्मेटोगोनिया G2 में क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कौन है ऐसा जिसके चार पार्ट होते हैं, हेड नेक स्पर्म, हेड नेक बॉडी, इस तरह की डिफरेंशिएशन होती है हेड नेक मिडल पीस एंड टेल, ऐसा कुछ भी सेकेंडरी ऊसाइट में? नहीं।
नहीं होता इस तरह की डिफरेंशिएशन जो एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन इनटू फोर पार्ट्स किस में देखी गई फॉर्म्स में किस में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा किस में लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म रहेगा माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल किस में होता है वैसे उसे निबंधकरण कह सकते हैं बट ह्यूमन में टर्म नहीं यूज करेंगे हम और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल नहीं होता क्या मैंने बोला कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है नो मैम माइटोकॉन्ड्रिया है बट दे आर स्कैटर्ड दे आर नॉट फॉर्मिंग अ स्पाइरल आपको पता स्पर्म मोटाइल होता yes, है ना एंड इट कैन पेनिट्रेट इन द ओवम Yes. ओवम जो होता है वो एनगल्फ करता है स्पर्म को पढ़ोगे अभी फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम स्पर्म को क्या कर जाएगा बताओ ओवम एनगल्फ करने के दौरान डेवलप करता है कोन ऑफ रिसेप्शन एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनाएगा और स्पर्म को अपने अंदर ले लेगा पूरा डिटेल कैसे लेता है कौन सा पार्ट नहीं लेता वो हम पढ़ेंगे वाइल फर्टिलाइजेशन बट इतना तो समझ आ गई आपको कि ओवम जो है वो स्पर्म को क्या करता है एनगल्फ बाय विद द हेल्प ऑफ कोन ऑफ रिसेप्शन तो स्पर्म कहाँ बने बताओ मुझे ओवा कहाँ बना वहाँ चार स्पर्म्स बनते हैं वहाँ एक ओवा बनता है उसके चार पार्ट्स हैं उसमें ऐसा नहीं है ओवा में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल होता है स्पर्म मोटाइल है It can penetrate in the ovum. Ovum sperm को engulf करता है and it develops a cone of reception. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो batch number 7. तुमने menstrual cycle NCERT से बहुत अच्छे से पढ़ के आना है और वो 50 पेज वाला graph तुम्हारे पास draw होना चाहिए अब हमारा gametogenesis clear है कल हम menstrual cycle पढ़ेंगे अच्छे से कल परसों का भी कुछ दिन menstrual cycle पे ही लगेगा ठीक है ओके मैम जी बेटा मैम आप डायग्राम में पोल्स दिखा सकते हो क्या दिखाऊं बेटा मैम जो पोलैरिटी आपने बताई है हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ आप ये नोट कर लो पहले यस मैम पोलैरिटी में ये होता है बेटा जिस साइड से स्पर्म एंटर करे वो एनिमल पोल एंड दूसरी वाली साइड वेजिटल पोल जिस साइड से पोलर बॉडी बाहर फेंकी जाती है वो एनिमल पोल बस ह्यूमन में तो योग होता नहीं फ्रॉग का अगर एग करूं बात करूं तो उसमें जिस तरफ योग होता है वो वेजिटल पोल होता है हमारे एग में तो योग होता ही नहीं ओके योग समझते हो ना जो फूड होता है जिसके ऊपर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है खाना तो चाहिए ना ह्यूमन में क्यों नहीं होता क्योंकि यहाँ झटपट से क्या बन जाता है प्लेसेंटा जी बेटा मैम मतलब फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होते ये पोल्स मतलब आप ये समझ लो ना साइड्स हैं कि सेकेंडरी उस साइड इधर से स्पर्म इधर से एंटर कर रहा तो इसे एनिमल पोल बोल दिया ऐसा नहीं कि तुम्हें देखने में उनमें कोई फर्क लगेगा बस तुम ऑब्जर्व करते हो कि जिस साइड से स्पर्म एंटर करे दैट साइड इज कॉल्ड एनिमल पोल एंड द अपोजिट साइड इज कॉल्ड वेजिटल पोल इज इट क्लियर यस अगर फ्रॉग का आ गया तो वहां तुम्हें योक नजर आ जाएगा वेजिटल पोल में ह्यूमन में तो क्योंकि योक अगर थोड़ा सा है भी तो वो यूनिफॉर्मली बीच में कहीं होगा या तो है ही नहीं ह्यूमन एग को आप माइक्रोलेसिथल या ईलेसिथल कह सकते हो दोनों में कोई चॉइस नहीं दोनों ठीक है लेयर्स के नाम आप अच्छे से सीख लीजिएगा एक कोरोना रेडिएटा है एक विटिलाइन मेम्ब्रेन है और एक जोना पेलिसिडा है बताइए लिख लिया आपने ये सारा यस मैम यस ठीक है बाकी कल करते हैं एक बार इसकी रिवीजन कर लेंगे और नेक्स्ट बाकी कल करेंगे ओके टेक केयर